डियर फ्रेंड्स, हार्ड ड्राइव एटलीस्ट सबको पता है, सबको पता है कि हार्ड ड्राइव क्या होता है और कंप्यूटर में क्यों यूज होता है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर होता क्या क्या है, किस तरह से उसके इंटरनल पार्ट्स वर्क करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं हार्ड ड्राइव ऑपरेशन। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान A to Z और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टेक्निकल वीडियो मिले सबसे पहले आपको। आज आप देखने वाले हैं कि हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या होता है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हार्ड डिस्क, जो कि एक सिंपल सा एक चौकोर सा डिवाइस होता है, उसके इंटरनल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसी उसकी बनावट। देख सकते हैं यहाँ पे एक और स्क्रू है, हमने इसको भी खोल लिया है। चिपका रखा है टोटली। ये आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर बेहतरीन लुक दिख रहा है। वाओ, इसको आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन है ये। जैसे कि हमारे सीडी रोम्स, डीवीडी राइटर्स वगैरह होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। देख सकते हैं आप कितना इसका बेहतरीन लुक है, लाजवाब लुक है ये टोटली, बहुत ही बेहतरीन। ये है इसका लैंडिंग जोन। राइट नाउ ये अपने लैंडिंग जोन में है। ये आप देख सकते हैं इसको प्लेटर बोलते हैं, जैसे कि हमारे सीडी रोम्स में होता है, सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्ट है ये। ये प्लेटर है जिस पे डेटा रीड होता है। ओके, ये घूमता रहता है। देन ये हेड हो गया, ये आप देख सकते हैं ये हेड हो गया, ये डेटा को रीड और राइट करता है, मिटाने का काम भी यही करता है। यहाँ पे बहुत ही बारीक सा लेंस होता है। और ये हो गया चिप, एक छोटा सा चिप जो कि इसको कंट्रोल करता है पूरे हेड को कंट्रोल करता है। और इसके इस साइड देख लेते हैं, ये लॉजिक कार्ड है। ओके, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है और ये इस कार्ड के थ्रू अंदर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है ये। ये बहुत ही बारीक बारीक स्क्रूज हैं, इनको भी हम आसानी से खोल सकते हैं और इस चीज़ को बाहर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको, ये बिट इसे बहुत अच्छी तरह से बैठ रहा है। ये हम इसके स्क्रूज खोल लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है
इस चीज़ की पैकिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे एयर 0% होता है। टोटली मशीनों के द्वारा इसकी असेंबलिंग होती है और इसको सेफली असेंबल किया जाता है ताकि इसमें एयर की मात्रा 0 हो। वाओ, वेरी नाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है ये। ये है मोटर जो इसको घुमाता है, ये है लेंस, आप देख सकते हैं कितना बारीक है ये लेंस। ये हमने एक और पार्ट्स ओपन कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस हेड को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। ये एक लूप है जो कि कॉपर वायर से बना हुआ है। इसके नीचे ये मैग्नेटिक पार्ट्स है ये, जो कि इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर जाता है तो ये मैग्नेटिक बन जाता है और फिर इसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। तो ये बड़ा ही बेहतरीन चीज़ है ये। अगर जो आपको मैग्नेट चाहिए बहुत ही पावरफुल, तो ये चीज़ बहुत ही कामयाब चीज़ है। बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है ये। इसको अगर जो आपने अपने लाइफ में कभी यूज़ किया होगा तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है ये आप देख सकते हैं। ये अब हम इसके ऊपर रखने जा रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से इसको खींच रहा है और ये देखिए कितनी तेज़ी से खींच लिया, इसको चिपका लिया। तो ये बहुत ही पावरफुल है और इसको मैं अब छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये छोड़ भी नहीं रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर जैसे मैग्नेट की आपको ज़रूरत है तो हार्ड ड्राइव में से ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक मिलता रहे। साथ ही साथ अगर जो आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी राय ज़रूर दें, इससे हमारा बहुत ही हौसला अफजाई होता है। शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि शेयरिंग के द्वारा ही हम इंडिया की कंडीशन को सुधार सकते हैं, इंडिया को टेक्निकली अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।